हेलो दोस्तों, न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दानिश खान, आपका दोस्त। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोल रहा हूं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा आपके लिए, जो कि मैं फ्री कॉल से, व्हाट्सएप से, ईमो से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और आप सबके काम की रहती है। तो दोस्तों आज मैं एक ईमो से ही रिलेटेड वीडियो लाया हूं, जो कि मैं बना रहा हूं और ये आप सबके बहुत काम की है। इस ट्रिक में मैं आपको बताऊँगा, जो कि आप ईमो पे किसी ने आपको फ़ोटो भेजा है और उसने डिलीट कर दिया है, फ़ोटो हो, मैसेज हो, वो आप किस तरीके से देख सकते हो बंदे ने डिलीट किया है और आप किस तरीके से उसे डाउनलोड करके देख सकते हो कि इस बंदे ने डिलीट किया है, इसने भेजा किया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है ईमो में, अगर ये आपने फ़ोटो किसी ने भेजा है, अगर ये आपने उसे डाउनलोड नहीं किया और सामने वाले ने जिसने आपको भेजा है और उसने अपने पास से डिलीट कर दिया, तो वो आपके पास से भी डिलीट हो जाएगा। तो मैं यही बताऊँगा दोस्तों कि वो डिलीट हुआ फ़ोटो या इमेज या कुछ भी भेजा है उसने, तो उसे कैसे रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है दोस्तों, जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो कर लीजिए, क्योंकि हमारी ऐसी वीडियो आती रहती है जो कि ईमो से रिलेटेड, व्हाट्सएप से रिलेटेड और फ्री कॉल से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, हम अपने ईमो में जाते हैं सबसे पहले, और ईमो में जाने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ मेरे दोस्त ने मुझे एक कुछ भेजा है और उसने डिलीट किया है। मुझे पता नहीं उसने क्या भेजा है और उसको मैं देखना चाहता हूँ आपके सामने, ये दिखाऊँगा एकदम लाइव। ये है गुल्फा मजमी, यहाँ से देख सकते हो ये दो, एक मैंने भेजा, मैंने तो खुद ने डिलीट कर दिया था, उनके पास भी डिलीट हो गया, मैंने क्या भेजा है उन्होंने देखा नहीं, पर ये यहाँ पर देख सकते हो योर फ्रेंड हैज़ बीन डिलीट दिस मैसेज। तो यहाँ पर आपको देखना है, अब डिलीट हो गया यहाँ पर, अब तुम्हें तो लग रहा है ये डिलीट हो गया, पर ये दोस्तों डिलीट नहीं हुआ, सामने वाले को भी पता है, कंफर्म हो गया कि मैंने डिलीट कर दिया, और इसे हमें देखना है क्या है मैसेज है ये। तो दोस्तों यहाँ पे इस पर आपको थोड़ी देर पुश करना है, यानी कि अपनी स्क्रीन को रखना है, उसके बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये देख सकते हो डाउनलोड टू गैलरी। अब मैं आपको ये फ़ोटो दिखा देता हूँ, किस टाइम का फ़ोटो है ये, क्या था फ़ोटो है ये, क्योंकि उन्होंने भेजा था फिर डिलीट कर दिया था। ये देख सकते हो ये फ़ोटो इन्होंने मुझे भेजा था, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, और ये आपको यकीन नहीं आ रहा तभी ये देख सकते हो ईमो, ईमो यहाँ पे एक ही फ़ोटो है ईमो का फोल्डर में, यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ आपके सामने, ये डिलीट हो गया ईमो का फोल्डर। आप तो मेरी पूरे फ़ोन में ये फोल्डर नहीं देख सकते हो। अब मैं तुम्हें दोबारा से ये डाउनलोड करके दिखाऊँगा और ईमो का फोल्डर आएगा। अब चलते हैं और हम चलते हैं अपने ईमो में, ये आ गए, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत से आदमी तो समझ जाते हैं, बहुत से आदमी सोचते हैं फेक है, इन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा होगा पहले से ही। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ दोबारा, ये फिर मैंने इस तरीके से पुश करा, थोड़ी देर रोका स्क्रीन पर और फिर डाउनलोड किया। अब ये देख सकते हो डाउनलोडिंग टू गैलरी। अब मैं वहीं पर जाता हूँ, अब मैं थोड़ा सा इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ, वरना फिर ये वहीं शो होगा क्योंकि फोल्डर अब बन गया होगा। तो हम अपनी गैलरी में जाते हैं दोस्तों, गैलरी में जाने के बाद अब मैं आपको वो ये देख सकते हो न्यू, आप ऊपर भी देख सकते हो, जब कोई आपको ही पता है फ़ोन यूज़ कर रहा है, जब कोई नया चीज़ आती है तो न्यू बता देता है। ये देख सकते हो रेड कलर में थोड़ा सा लिखा हुआ होगा NEW न्यू, और ईमो का फोल्डर है नया, तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये मैंने डाउनलोड कर लिया। तो इसी तरीके से आप डिलीट चीज़ हुई भी डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी हो दोस्तों, आराम के साथ डिलीट हुए हुए आप अपने फ़ोन में देख सकते हो कि सामने वाले ने क्या भेजा था, क्या डिलीट किया। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो तो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों आपके लिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी, जो कोई सवाल है, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।